दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अरबपति कारोबारी मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं। मस्क का कहना है कि न्यूक्लियर वॉर या किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से धरती का वजूद खतरे में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे सही मंगल ग्रह ही है। धरती पर आबादी भी लगातार बढ़ रही है और संसाधन सीमित हैं। इस वजह से भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश जरूरी है। लेकिन स्पेस में किसी ग्रह पर जाने या जीने लायक ग्रह खोजने में काफी लंबा वक्त लगेगा। वहां इंसानों को ले जाने से ज्यादा मुश्किल आएगी खाने पीने की चीजें ले जाने में। एक अंतरिक्ष यात्री एक हफ्ते में करीब 30 किलो भोजन और पानी का इस्तेमाल करता है। ऐसे में स्पेस की यात्रा जितनी लंबी होगी और यात्री जितने ज्यादा, खाने पीने की चीजों का अंबार भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। मंगल ग्रह की ही मिसाल लें, वहां जाने में 60 से अधिक हफ्ते लगते हैं, यानी सिर्फ एक इंसान के खाने पीने पर करीब 2000 किलो भोजन पानी लगेगा। अगर 10,000 इंसानों को भी मंगल पर बस्ती बसाने के लिए ले जाया जाता है तो स्पेसशिप का बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजों से ही भर जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इंसानों के अंतरिक्ष सफर की सबसे बड़ी बाधा फिलहाल भूख है। हम स्पेसशिप में जितना खाने का सामान रखेंगे, फ्यूल रखने की गुंजाइश उतनी ही कम होती जाएगी। अगर इंसान अंतरिक्ष में सुदूर जीने लायक ग्रहों की तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि वहां तक जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों की खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर ना तो उन्हें अंतरिक्ष में कहीं खाना मिलेगा, ना ही उन तक धरती से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस परेशानी का कोई हल भी है? तो जवाब है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन की शीत निद्रा भी कहा जाता है। हाइबरनेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव कई दिनों या महीनों के लिए गहरी नींद में चला जाता है। इस दौरान शरीर न्यूनतम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना होता। इसे आप एक हद तक लैपटॉप के हाइबरनेशन मोड या फिर फोन के पावर सेविंग मोड से समझ सकते हैं। हाइबरनेशन में जाने के बाद थोड़ी बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है, वह शरीर में जमा चर्बी, वसा और पोषक तत्वों की मदद से पूरी हो जाती है। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में डायनासोर जैसे प्राचीन जीवों और स्पेस ट्रैवल में जाने वालों इंसानों को हाइबरनेशन में दिखाया गया है। हाइबरनेशन तब होता है जब कोई जानवर ऊर्जा बचाने और ज्यादा कुछ खाए बिना सर्दी में जीवित रहने के लिए अपनी हृदय गति को धीमा कर देता है। कुछ जानवर शीत निद्रा के दौरान धीमे हो जाते हैं और कम गति से चलते हैं, लेकिन अन्य गहरी नींद में चले जाते हैं और वसंत तक नहीं जागते। शीत निद्रा के दौरान जानवर के शरीर का तापमान गिर जाता है और उसके दिल की धड़कन और सांस धीमी हो जाती है, जिससे वह अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। कुछ हाइबरनेटर्स इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि उन्हें जगाना लगभग असंभव होता है और वे मृत प्रतीत होते हैं। शीत निद्रा में रहने वाले जानवर अतिरिक्त भोजन खाकर और इसे शरीर में वसा के रूप में संग्रहित करके अपनी सर्दियों की नींद के लिए तैयार होते हैं, जिसे वे सोते समय ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। हिबरनेशन भविष्य में होने वाले बेहद ही लंबे स्पेस ट्रैवल्स में काफी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों को कई सालों तक बेहद कम फूड या दूसरे रिसोर्सेस की मदद से कई सालों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं। इस तकनीक की मदद हम इंसानों द्वारा लगने वाले फूड और दूसरे रिसोर्सेस को काफी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्पेसशिप में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल रख सकते हैं, जो कि हमारे स्पेसशिप के रीच को काफी बढ़ा देगा। साथ ही हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रैवल में होने वाले खतरनाक अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मसल लॉस और बोन लॉस जैसी समस्याओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।